नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका आज से स्वीकार कर सकता है स्टूडेंट वीजा आवेदन। लखनऊ में आज से शुरू होगा दुकानदारों का वैक्सीनेशन। दिल्ली अनलॉक 3, आज से सभी मार्केट खुलेंगे। AIADMK ने आज बुलाई विधायकों की अहम बैठक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हुए एक साल पूरे। और नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में आज से अनलॉक 3 का आगाज। आज से सभी मार्केट मॉल खुलेंगे, स्कूल कॉलेज अभी रहेंगे बंद। तो दिल्ली में अनलॉक 3 के आगे दिल्ली अग्रसर हो गया है। बता दें कि आज से अनलॉक 3 का आगाज हो गया है, जिसमें कई चीजों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसमें मॉल और मार्केट को शामिल किया गया है। यानी कि आज से दिल्ली में मॉल और मार्केट खुलेंगे, स्कूल कॉलेजेस हालांकि अभी बंद रखने के ही अनुमान जारी किए गए। वही अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, 12 बजे लोकभवन में कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव होंगे पास। 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्री होंगे शामिल। कोविड प्रबंधन और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज योगी आदित्यनाथ की बैठक है, जिसमें वो कई मुद्दों को लेकर कोरोना के आगे के प्लान को लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो कैबिनेट की बैठक है लोकभवन में 12 बजे, अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में पास हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद की होगी बैठक, 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है, सभी मंत्री शामिल होंगे। कोविड प्रबंधन और आगे की रणनीति पर चर्चा। एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, फेरी वालों और ड्राइवरों के लिए विशेष टीकाकरण बूथ। 18+ और 35+ वालों के लिए अलग अलग बूथ। आज करीब 30,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। फेरी वालों के लिए नगर निगम ने बनाया बूथ, आरटीओ ऑफिस में बनाया गया बूथ। बूथ पर 100 वाहन चालकों को लगाया गया टीका। वही अगली बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से सामने आ रही है, खेलते समय 4 साल का मासूम बोरवेल में गिरा। बोरवेल बंद ना करने से हुआ यह हादसा। कई दिनों से खराब पड़ी थी बोरवेल। आगरा से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बोरवेल में एक 4 साल का बच्चा गिर गया। बता दें कि खेलते वक्त यह हादसा हुआ, हालांकि ये बोरवेल काफी वक्त से खुली हुई थी। वहीं अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, कार सवार युवक को हमलावरों ने मारी गोली। हमले में एक युवक की गोली लगने से हुआ घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार। पुरानी रंजिश में हुई ये वारदात। तो हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बता दे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सिकंदराबाद कोतवाली के NH 91 की घटना, जहां पर एक कार सवार को बदमाशों ने गोली मारकर फरार हो गए। वहीं अगली बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, तहसीलों में नहीं थम रहा भ्रष्टाचार का सिलसिला। लेखपाल और रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते।
लेखपाल घूस लेते हुए कैमरे में हुआ कैद, प्राइम टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ कैद, तहसील सदर के कोरिहर गांव में तैनात लेखपाल फरियादी से पैसे लेते हुए कैमरे में हुआ कैद। तो नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में दैनिक कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 71 दिनों के बाद कोरोना के सबसे कम नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 80,834 नए कोरोना केस आए, 3,303 संक्रमितों की जान चले गई। वहीं 1,32,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यही नहीं, यानी कि बीते दिन 54,531 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले 31 मार्च 2021 को 72,330 केस दर्ज किए गए थे। वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार को तोड़ने के लिए अलग अलग राज्यों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन में अब ढील दी जा रही है। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद कुछ राज्यों ने पाबंदियों को ढील दी है। हालांकि स्थानीय स्तर पर केंद्रीय शासित प्रदेशों और राज्यों में लॉकडाउन अभी भी जारी है। कोरोना के चलते थमी हुई राजधानी दिल्ली में रियायत की तीसरी किस्त शुरू हो गई है। तो दिल्ली में अब लॉकडाउन की ओर अग्रसर हो गया है। जिस तरह से हम आपको आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं उसमें कमी आ रही है, लेकिन बता दें कि स्थानीय स्तर पर अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में लॉकडाउन अभी भी हाल फिलहाल जारी है, लेकिन दिल्ली अब थोड़ा अनलॉक 3 की ओर बढ़ गई है और इस अनलॉक में तीसरी किस्त शुरू हो गई है रियायत की, जिसमें काफी हद तक रियायत दी गई है दिल्ली वासियों को। मॉल खुल जाएंगे, मार्केट खुल जाएगी, लेकिन बता दें कि स्कूल और कॉलेजेस अभी बंद रखने का फरमान जारी किया गया है। तो 71 दिन बाद देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है, तो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है और देश अनलॉक की तरफ अग्रसर हो रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल आज एक बार फिर महंगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 41 पैसे और डीजल 97 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गया है। सप्ताह के पहले दिन ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। आज यानी 14 जून को पेट्रोल के भाव में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल 96.41 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 18-19 दिन से लगातार जो पेट्रोल के दाम है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर पेट्रोल के दामों ने सेंचुरी लगा दी है, 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी पेट्रोल आज भी महंगा हुआ है, जो 97 रुपए 41 पैसे तक की बढ़त पेट्रोल ने अब बना ली है। उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ सामान्य नहीं है। पेट्रोल 97 रुपए के करीब ही पहुंच गया उत्तर प्रदेश में भी। तो लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग लगातार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बढ़ते पेट्रोल के दामों के चलते लोगों की जेब पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। तो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम जनमानस के जेब पर भारी असर पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग डेली पेट्रोल डलवाते हैं उनको इस खर्च को उनके ऊपर एक तरह से भार काफी ज्यादा पड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है। और कोरोना काल में जिस टाइम पर लोगों के धंधे और लोगों के कामकाज ठप है, नौकरियां चली गई हैं, उस दौर में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रायबरेली से दिल को झंझोरने वाली वारदात सामने आई है। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में 3 साल की मासूम के साथ किशोर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देकर किशोर मौके से फरार हो गए। खून से लथपथ मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मामला दर्ज कर फरार आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है।
थाना उच्चाधार पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची अपने पड़ोसी के घर गई हुई थी, जहां उसके साथ एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं बाल अपचारी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई प्रस्तुत। वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरी खबर पर? देखिए, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली घटना थी। एक सफाई कर्मी की, ये 3 साल की नाबालिग बच्ची घर के दरवाजे पर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले एक आरोपी उसको बहला फुसला कर चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से बुला ले गया और वहां पर दुष्कर्म कर डाला, जिससे बच्ची लहूलुहान होकर पड़ी हुई थी। घर वालों ने काफी देर तक खोजबीन किया, उसके बाद जो है सीएसटी में आज वो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। जी, इस वक्त पुलिस की क्या कार्रवाई है, क्या अभी आरोपी उनकी गिरफ्त में आया है? देखिए, आरोपी भी 15 वर्ष का है और जो है सीओ डलमऊ अशोक सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है। आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। पर परिजनों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उनका कहना है कि बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ वो भी एक नाबालिग बच्चे ने ही किया है? परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। हालांकि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक नाबालिग बच्चे ने ही, जो महज 16 साल का है, उसने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि यहाँ शंकाएं ये जरूर पैदा हो जाती हैं कि बच्चों की आजकल की मानसिकता कैसी होती जा रही है, क्योंकि लगातार हम इस पर बात करते भी रहते हैं कि युवा जिस कदर क्राइम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसको लेकर चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वही एक बार फिर आपको इस मामले पर पूरे सीओ का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। थाना उच्चाधार पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची अपने पड़ोसी के घर गई हुई थी, जहां उसके साथ एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं बाल अपचारी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की। प्रतापगढ़ में एक पत्रकार की मौत हो गई है। उन्होंने कई बार शराब माफियाओं के खिलाफ खबरें बनाई और वो खबरें काफी चर्चा में भी रही। वहीं रविवार को रात प्रतापगढ़ के कचरा इलाके से पुलिस की एक खबर को कवरेज करने वापस आ रहे थे कि रास्ते में ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी बाइक खंभे और हैंडपंप से टकरा गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वहां पर मौजूद मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी है, घायल हालत में हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस खबर के सामने आने के बाद प्रतापगढ़ पत्रकारों में शोक की लहर है, तो वही परिवार में इस घटना के बाद मातम छा गया है। बता दें कि इससे पहले पत्रकार ने बकायदा एक लेटर के जरिए एडीजी जोन के अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी और दूसरे दिन ऐसी घटना सामने आई। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रतापगढ़ में एक पत्रकार की मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि मामला जो है वो ये सामने आ रहा है कि पत्रकार की एक्सीडेंट के चलते मौत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शंकाएं पैदा हो जाती है। जिस तरह से एडीजी को पत्र लिखा जाता है उसके बाद दूसरे दिन हत्या हो जाती है, तो कई तरह की आशंकाएं इसमें उजागर हो रही है। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10:11 के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के सम्मानित पत्रकार हैं। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। तो मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता प्रेम जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। प्रेम, किस तरह की जानकारी अभी तक मिल पा रही है, क्योंकि जो मामला सामने आ रहा है उसमें पत्रकार ने एडीजी को पत्र भी लिखा था, जान से खतरा बताया था। जी, बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज के संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव का कल शाम को अचानक से ही
अशोक में मृत्यु की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इन्होंने एडीजी प्रेम प्रकाश को अपने मृत्यु के बारे में बताया था। उन्होंने उस पत्र में बेखूबा लिखा था कि जनपद प्रतापगढ़ में हुए कुंडा हजगवा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले शराब माफियाओं के खिलाफ उन्होंने खबर चलाई थी, जिस खबर को लेकर कई दबंग टाइप के लोग उनको फोन के माध्यम से अनेकों तरीके से परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर पत्रकार काफी डरा सहमा था, पत्रकार का पूरा परिवार डरा सहमा था लगता था, और पत्रकार ने इस बात पर आशंका जाहिर की थी। बता दें कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव ने एबीपी न्यूज का एक ग्रुप बनाया था, जिस ग्रुप में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था, जिसकी स्क्रीनशॉट अपने पास मौजूद है, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरा ग्रुप किसका। आप नाम बार बार ना ले, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पत्रकार को आशंका थी, और ये भी वो कहीं ना कहीं बता रहे थे कि कहीं ना कहीं उन पर लोगों की नजर थी, उनके एक्टिविटी पर लोगों की नजर थी कि वो जा कहाँ रहे हैं, आ कहाँ रहे हैं। बता दें कि कल प्रतापगढ़ जनता प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में असलहे की टीम का पूरी तरीके से खुलासा किया गया, जहाँ पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे थे। अब वहां से वो कवरेज के दौरान जब वापस लौट रहे थे तो ये हादसा अचानक रूप से हुआ, जिसको पुलिस अभी तक दुर्घटना बता रही है। फिलहाल मामला अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर ये दुर्घटना है या हादसा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार पत्रकार जो था वो एडीजी से गुहार लगा था कि जान का खतरा है, और एकदम से ये हादसा हो जाना और पुलिस का इसको दुर्घटना कह के छोड़ देना, क्या सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जांच तो होनी जरूरी है इस मामले पर। जी बिल्कुल, जांच होनी जरूरी है, और कहीं ना कहीं एसपी पश्चिमी सुरेंद्र द्विवेदी जी ने बताया कि इस पर बेखूबा जांच की जा रही है, प्रत्येक के तबके पर जांच की जाएगी, और कहीं ना कहीं इसके प्रत्येक जो सूत्र हैं इनके आवागमन, उनकी मोबाइल फोन ले ली गई है, मोबाइल फोन की बेखूबा रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है, व्हाट्सएप डिटेल चेक किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो सुराग सामने आए। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये एक तरीके से दुर्घटना है, कहीं ना कहीं दुर्घटना होने का चांस ये नहीं लगता कि दुर्घटना होने पर व्यक्ति के कपड़े उतार दिए जाएं, ये कहीं ना कहीं आशंका की बात होती है। और ऐसे में उसी के फोन कॉल से मैसेज होना ये अपने में बड़ी बात है, और उसी का कॉल ऐसे मैसेज हुआ जा रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, और जब उसे अस्पताल लाया जाता है तो उसकी मृत्यु घोषित कर दी जाती है। जी जी ठीक है प्रेम, लेकिन ये जो फोन कॉल्स थे धमकी भरे, वो कितने समय से आ रहे थे, कितने समय से परेशान था, और ये जो लिखा गया था एडीजी को, क्या इसके पहले भी कई बार गुहार लगाई गई है, या अभी हाल एक दिन पहले ही उन्होंने एडीजी को पत्र लिखा था? लगभग 12 तारीख को एडीजी को उन्होंने गुहार लगाते हुए एप्लीकेशन शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि मेरे पीछे कुछ लोगों द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, और उन्होंने 12 तारीख को ही ये इसकी तहरीर दी थी। इसकी तहरीर उन्होंने एसपी को भी दी थी और संबंधित एडीजी को भी दी थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुलभ श्रीवास्तव जो पत्रकार थे उन्हें इस बात का जरूर भय था कि कहीं ना कहीं हम हादसे के चपेट में आना जाए। जिस तरीके से उन्होंने खबर को चलाई थी उस पर वो लोगों के बीच में कहीं सक्रिय के नजर में आ चुके थे। प्रेम तमाम जानकारी देने के लिए, तो जिस तरह से सामने आ रही है तमाम बातें, उससे ये कहा आशंका कहीं ना कहीं पैदा हो रही है, क्योंकि एक्सीडेंट होना, कपड़े फटे होना, ये सब बातें एक और इशारा कर रही हैं कि हो सकता है ये कोई दुर्घटना ना हो बल्कि इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस घटना को अभी फिलहाल कहा है, और लेकिन जाँच चल रही है। वहीं सवाल ये भी उठते हैं कि जब एक पत्रकार आपसे एडीजी से मदद की गुहार लगाता है, तो क्या आज के समय में एक पत्रकार का आज क्या पत्रकारों के लिए एक स्पष्टता से खबर चलाना या शराब माफियाओं के लिए खबर चलाना कितना ज्यादा खतरनाक है, ये बानगी करती हुई ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको हम सुनाते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पे पुलिस का क्या कुछ कहना है। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10:11 के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के सम्मानित पत्रकार हैं। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था, और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बुलंदशहर के थाना ककोड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिला। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि आरोपी हरपाल सिंह के घर मृतक का शव मिला था। घटना को अंजाम देकर हरपाल सिंह गांव से फरार हो गया। आरोपी हरपाल सिंह दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर है। 10 महीने पहले उधार लिए पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है। वहीं मामला संज्ञान में आने पर जांच में पुलिस जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 8:30 हम लोगों ने उनको, जो हरपाल सिंह है
जो फरार हैं उनकी गाड़ी में देखा और 2:30 बजे हमें सूचना मिली उनके घर पर वो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। कुछ पैसे का लेन देन था जो 10 महीने से था, उन्होंने लेके किसी को दिए थे और अब गए तो ठीक ठाक थे, हमने भी सुबह देखा है और हमें सिर्फ मौके पे पहुंचने पे पता चला है कि वो उनके हरपाल सिंह घर पे उनको छोड़ के मृत अवस्था में फरार है, भाग गए। तो वहाँ क्या क्या दिखाई दिया आपको? वहाँ जिस हालत में पड़े हुए हमने तो सबसे पहले यही देखा था कि पहुंच के वहाँ उनकी जान नहीं थी उनकी बॉडी में और ये कहा जा रहा है कि दारू दूरू में कुछ मिला के और उनको। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश और भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद में दबंग एक पक्ष ने लाठी डंडे और चाकू से दूसरे पक्ष के घर लौट रहे दो लोगों पर हमला कर दिया। घटना में कई लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में एक की मौत भी हो गई है। मृतक के भाई ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। घटना की जांच के बाद प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मंगवाकर अभियुक्त के अवैध निर्माण को दबा दिया। एसपी आजमगढ़ ने बताया कि जिस किसी ने भी अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने का निर्माण करने का ये तरीका अपनाया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा माफियाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध जनपद में की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज एक शातिर अपराधी के द्वारा अवैध रूप से की गई भूमि पर कब्जा और उसका पोल्ट्री फार्म बनाने के उपरांत उसे नपवा कर ढाया गया है। जीसीबी से उसका दृष्टिकरण कराया गया, निस्तबूत किया गया है और पहले भी जो बड़े अपराधी यहाँ के हैं उनके जो अवैध कब्जे थे उन्हें निस्तबूत किया गया था। इस अपराधी द्वारा अभी परसों थाना महीनगर के रामपुर गांव में एक हत्या की गई थी और इसके जो इसके द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया था उसकी नपाई का कार्य पहले से चल रहा था, उसे आज ध्वस्त किया गया है और भविष्य में जो भी अवैध कब्जे हैं उनके। आजमगढ़ पुलिस द्वारा बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा, 32 बोर और एक खोखा कारतूस 32 बोर का बरामद किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।